जैसे आपने टाइटल और थंबनेल लेके समझ गए होंगे वॉलपेपर कैसे लगाते हैं, लगाने का आसान तरीका क्या है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देख लीजिए, जो ब्रास होगा वाटा सीमेंट का, वो सीमेंट से भर देना है और अंदर से कपड़ा डाल के साफ़ कर लेना है। जो भी थ्रेड उसके, देखिए ये होता है मिक्सर का बैंड, इसको एक बार खाली चढ़ा के देख लेना है और इसका फ्लंच और चढ़ा के देख लेना है। एक बार फ्लांज दीवार पे बैठना चाहिए, अगर नहीं बैठता है तो बाद में काट के छोटा करना है। देखिए इसको भी समझ लो, ऐसा लगा के देख लूँगा अभी कितना छोटा बड़ा करना पड़ेगा, देख लेता हूँ। चलो तीसरा भी लगा के देख लेता हूँ कितना हो रहा है। चलो ये वाला तो बराबर है, चलो कोई बात नहीं। अब इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि देखिए इसका, देखिए ये जितना बाहर आ रहा है ना, वो वाला ब्रासल भी थोड़ा उतना बाहर आ रहा है। इसको इतना काटना, तीन आटा काटना पड़ेगा, तीन थ्रेड, तो एक 3 इंच का एक्सटेंशन नहीं पहला के आप काट के छोटा कर सकते हो उसको काटने के। अब दूसरा को भी खोल के काट लो क्योंकि अभी बाद में दोबारा जगह नहीं मिलेगा काटने का कोई भी। तो ये जितना जितना आटा काटा हूँ इसको भी उतना आटा काट लेना है, तीन आटा समझ लो। फिर मार्किंग मान लेना है, फिर वहाँ पर उसी एक्सटेंशन लेवल पर काट लेना है घुमा के। चलो एक्सटेंशन लेवल खोलने के बाद में दोबारा खाली चढ़ा के देख लो क्योंकि बराबर है कि नहीं है, और कितना मैक्सिमम कितना टाइट हो रहा है वो भी देख लेना है। वो ठंडा गर्म दोनों को चढ़ा के देख लेना है और लगाते वक्त दोनों को लेवल लेवल रखना है। जैसे भी एडजस्ट करो क्योंकि उसको लेवल एडजस्ट करके देख लेना है एक बार फाइनली, जो फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है और लेवल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो थोड़ा टाइट करते हैं, ढीला करते हुए एडजस्ट करके देख लेना है। चलो हाथ से चढ़ा लो नट, दोनों नट एक साथ में चढ़ाना है तो क्या बराबर जाएगा, पूरा बॉडी सामने खींचते खींचते जाएगा। चलो एडजस्ट हो गया, अब फ्लांच लगाया देख लेते हैं, फ्लांच चिपक के बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है दीवार पे। दोनों लगाए चेक कर लेंगे, ये ऊपर वाला तो सही था, कोई दिक्कत नहीं था ऊपर वाला में। अब देखिए पूरा दीवार में बराबर चिपक के बैठा है, कोई टेंशन नहीं, अब फाइनल समझ लग जाएगा। अब खोल लेंगे प्लेट, कटोरी को खोल लेंगे, फिर इस एल को भी खोल लेंगे। चलो एक में देखिए टेपरन टेप देना है बराबर से, ज़्यादा भी नहीं देना है, फिर वापस ब्रासल में फट ना जाए ऐसा देना है कि अपने को हाथ में खींच कर देखना है कि कितना थ्रेड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक दो आटा छोड़ के टेपरन टेप देना है, एक आटा छोड़ के क्योंकि वो चढ़ने में दिक्कत होती है अगर ज़्यादा देते हो तो। चलो अब थोड़ा सा बाकी रहेगा तो छोड़ देना क्योंकि बाकी में एडजस्ट करने का टाइम में उल्टा नहीं घुमाने का है, टाइट की ओर घुमाओगे चलेगा लेकिन उल्टा नहीं घुमा के टाइट करना है एडजस्ट करने में, उल्टा नहीं घुमाने का टाइट करने का टाइम, एक बात याद रखना है। चलो इसको भी घुमा के टाइट कर देंगे, हाथ से जितना होता है उतना करेंगे, फिर बाद में स्लाइड रेंज से करेंगे तो सबसे बेस्ट रहता है। और थोड़ा बाद में फुल टाइट से थोड़ा पहले छोड़ देना है क्योंकि एडजस्ट करना पड़ता है और बॉडी को लेवल रखना पड़ता है, तो वही लेवल रखेंगे थोड़ी देर। देखिए कैसे एडजस्ट कर रहा हूँ, देखिए अब जहाँ पे फ्रीली आ गया वहाँ पे नट चढ़ा के देख लेंगे। देखिए अब थोड़ा सा नीचे जाएगा बस, अब टाइट लगा के दोनों नट चढ़ा के फ्रीली देख लेंगे। चलो लेवल भी हो गया और नट भी बराबर चढ़ जाए, एक बार चढ़ा के देख लेंगे। देखो आप लोग के लिए वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा रखिएगा। प्लम्बिंग के बारे में बहुत सारा वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए इसी तरह का वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो देखना है तो वीडियो पूरा अंत तक बने रहिए, और बहुत सारा वीडियो ला चुका हूँ और आप लोग के लिए बहुत सारा वीडियो लाने वाला हूँ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा रखना है और कुछ नहीं। और आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताना यार, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, आपका लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। चलिए इसको मार्किंग कर लेना है, जितना अंदर जाएगा लगाने के बाद उतना काट के निकाल देना है और उसको उसी उल्टे उसमें डाल के काट देना है जैसा वीडियो में देख रहे हो। चलो इसके बाद में ये जो बैंड पाइप है, पहले एक वाशर लगा लेना है, फिर इसको नट लगा लेना है। देखिए जैसे लगा रहा हूँ फिर नट उल्टा जाएगा, फिर इसके बाद में एक वाशर आएगा, देखिए ब्लैक वाइसर आएगा, इसको खोल लेना है, दोनों में कटोरी पहना देना है। चलो दोनों में कटोरी लगा दिया, अब तीसरा वाला वाइसर देने के बाद में, वाइसर देना नहीं भूलना यार, वाइसर जरूरी है, वाइसर बिना लीक करेगा ही करेगा, फाइनल है। आप मैं इसको टेस्टिंग करके ही बताऊंगा, वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा, और काम में एक भी अगर कुछ आपको मिस्टेक दिखा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कहीं अगर मिस्टेक लगा है, क्योंकि ये जो बैंड है ना, बड़ा कटोरी वाला जो मिक्सर है इसमें लगाने में थोड़ा दिक्कत आता है, इसलिए मैं वो बैंड पाइप को पहले लगा लिया हूँ उसके बाद में ये लगा रहा हूँ, क्योंकि
आपको मालूम है क्योंकि उसको लगाने के बाद में नहीं जाता है, तो बेंड पाइप को साथ में भी लगा के टाइट करना पड़ता है, तीनों नट को एक साथ में, चारों नट को, इसको थोड़ा उसको थोड़ा इसको थोड़ा, क्योंकि पूरा बॉडी धीरे धीरे खींचते खींचते आगे जाता है ना। अगर आप बॉडी को पहले टाइट कर लोगे बाद में वो बैंड पाइप लगेगा नहीं, क्योंकि बैंड उतना बैंड होता नहीं है। चेयर को अगर खरीदना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, जाके देख सकते हो, परचेज़ कर तो सकते हो। चारों नट को धीरे धीरे एक साथ में टाइट करना है। अब वीडियो देखिए, ऊपर वाला नट, बैंड पाइप का दो नट, और गर्म ठंडा जो कनेक्शन का नट है उसको भी धीरे धीरे टाइट करना है एक साथ में। और आपका नट है तो जो लीवर है हैंडल स्पिंडल का, जो लीवर है उसको घुमा दीजिए। चलिए अब चेक करूँगा, चलो सब जगह पे चेक, पानी चालू है, कोई बात नहीं। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए ऐसा वाल मिक्सचर जो पानी में यूज़ होने के बाद में गंदा हो जाता है, तो उसको साफ़ करना कैसे है उसके बारे में वीडियो ऑलरेडी बना हूँ, जाके देख सकते हो, केमिकल का नाम भी दिया हूँ। और मिक्सचर ख़रीदना चाहते हो तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, जाके ख़रीद सकते हो, बहुत ही सस्ते में है। चलिए मिलते हैं, तब तक गुड बाय, जय हिंद।